هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. على شاطي المطبخ نظرت دجاجة. तो हेलो अपने भाई को क्या चल, कैसे हो सारे? तो भाई आज वाले गेम पहले ना इन तक जरूर देखना, क्योंकि देखो इस गेम में होता है भाई एक स्पीड हैकर और भाई उसके साथ हो जाता है मेरा लफड़ा, और भाई वो तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। फिलहाल मैं जो इधर आता हूँ भाई मेन से लूटने के लिए, और भाई इधर भी आ जाता है मेरे साथ एक बंदा जो कि हैक लगा के आता है, मतलब ESP होता है उस बंदे के पास। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ उस बंदे के पास ESP है, क्योंकि भाई देखो मैं जो इधर आके इसी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ लूट कर रहा था, लेकिन वो बंदा भाई मेन से आता है लेकिन कहाँ उतरता है कुछ नहीं पता, लेकिन भाई उस बंदे ने मेरे ऊपर धराधर नेट करना स्टार्ट कर देगा कुछ ही देर में। अब देखो जैसे ही नेट करेगा मैं तो समझ जाता हूँ कि भाई वो बंदे के पास कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो मैं जो इधर से कोई भी लोकेशन नहीं देता हूँ, ना ही उस बंदे को मेरा फुस्टेप आना चाहिए, क्योंकि उस बंदे का भी फुस्टेप मेरे पास नहीं आ रहा। और अगर वो बंदा नहीं लूटेगा नहीं दौड़ेगा तो कहाँ से उसके पास नेट आएगा, बताओ आप लोग खुद ही बताना। फिलहाल देखो वो बंदा होता है सामने की तरफ और मैं होता हूँ इस कंपाउंड में, और वो बंदा मेरे ऊपर नेट करना चालू कर देगा, और जैसे ही नेट करेगा मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन उस बंदे का जरूर मैं मार के चलूंगा, और उस बंदे को मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, मार देता हूँ। लेकिन भाई आगे क्या सीन होने वाला है, आगे तो भाई एक स्पीड हैकर आ जाएगा, उसके साथ भी लफड़ा हो जाएगा, तो इस मैच में फुल कॉम्बो के साथ देखना, मतलब फुल धमाल होने वाला है। उससे पहले भाई चैनल में जो जो न्यू आए ना भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, और कॉमेंट करके बताना कि कौन कर कि कितने पास गए और भाई कितना माइनस हुआ आज का। फिलहाल भाई इधर मुझे मिल जाता है एक उजी और भाई एक AKM, उसको लेके मैं जो है नीचे की साइड जाता हूँ, और जैसे ही नीचे जाता हूँ भाई बंदा मेरे ऊपर नेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखो सीन क्या होता है, इधर भाई बंदा मेरे ऊपर रेंडम फायर कर देता है, उसके भाई बैरल से गोली निकल जाते हैं, मेरे ऊपर सीधा फायर आता है, और मैं जो इधर रुक जाता हूँ, और बंदा जो है भाई नेट करना स्टार्ट कर देगा, और बंदा जैसे ही नेट करेगा मैं जो है मौका देख के भाई सामने के स्क्वाड हाउस से होते हुए भाई इस बंदे पे फुल क्लोज इन कर देता हूँ, क्योंकि भाई इधर अगर पीछे से मैं भाग जाऊँगा और भाई ये बंदा भाई पीछे से अगर पकड़ लिया तो बहुत ही आराम तरीके से मुझे मार देगा, क्योंकि देखो भाई इस बंदे का अगर पास ESP हुआ तो ये बंदा मुझे जाने नहीं देगा, और भाई इसके साथ मुझे फाइट लेना ही पड़ेगा। अगर मार दिया तो मेरे इधर प्लस निकल जाएगा, अगर मर गया तो बहुत ही गंदा माइनस लग जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि इसके साथ फाइट लूंगा चाहे मरूं या जीतूं, तो भाई इसके साथ मैं जो है थोड़ी धीरे धीरे करके भाई इसके क्लोज इन जाता हूँ, और जाके देखो क्या सीन होता है इसके साथ। अब देखो भाई मैं जो इस घर में आ जाता हूँ, बंदा जो होता है नीचे की साइड होता है, जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ बंदा इधर आना चाहता है, और मैं जो इधर फायर करके किसी तरह भाई मैं जो ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, और यह जो बंदा होता है नीचे से भाई कंटिन्यू नेट का पिन खींचना चालू कर देता है, और मैं जो इधर एक मौका का तलाश देख रहा था कि बंदा कब गलती करे और कब मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। भाई इधर इस बंदे को तो मार देता हूँ, लेकिन भाई इस बंदे ने एकदम डॉट HP छोड़ा मुझे, और भाई इधर बहुत ही किस्मत से बच जाता हूँ, मेरा जो है उजी था हाथ में इसी वजह से बच जाता हूँ। उजी को लेके भाई सीधा इस बंदे के ऊपर मारता हूँ गोली, और भाई हेड ही हेड कनेक्ट होता है। फिलहाल भाई इस बंदे को मारते हुए मैं जो आ जाता हूँ स्क्वाड हाउस में, और इधर आने के बाद मेरे सामने कुछ अलग ही दिखता है, फिलहाल आप लोगों को भी दिखाऊंगा। देखो मैं जो इधर आता हूँ और एक बंदे का फायर आता है, और उतने में मैं जो इधर देखता हूँ तो भाई मेरे सामने आता है एक स्पीड हैकर। अभी इसके ऊपर मैं लेना चाहता था फायर, लेकिन भाई जैसे ही मैं उठा ये बंदा मेरे ऊपर धराधार फायर करना स्टार्ट कर देता है, और इस हालत में मैं क्या करूं मुझे ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने जो है भाई स्पीड हैकर है और वो बंदा कैसे भी मुझे मार देगा। तो मैं जो है वापस स्क्वाड हाउस के अंदर आता हूँ, और भाई चुपचाप लेट जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ इस बंदे को जो कि ये बंदा भाई मेरे ऊपर ना आके पूरे लॉबी को खाली कर दे, और मैं जो है भाई हल्के से इधर से निकल जाऊंगा जब जोन आएगा। अब सोच रहा था कि दो सीन, देखो इधर भाई मैं सोच रहा था कि मेरे ऊपर एक और सर्कल गिर जाए
जाए तो भाई इधर थोड़ा और बंदा कम हो जाएगा, और भाई ये जो स्पीड हैकर है तो भाई ये पूरे लॉबी को खाली करने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। फिलहाल मैं जो इधर होल्ड कर रहा था और मेरे ऊपर एक जोन गिरा था, उसके बाद मैं जो होल्ड करते करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन भाई कुछ देर में एक और बागी मेरे ऊपर पुश कर देगा और इस बंदे के साथ भाई क्या ही फाइट होता है देखो। अब देखो भाई इस बंदे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं एकदम दरवाजे में ही खड़ा हूँ और यह बंदा जो है एकदम से घुस गया, और भाई घर के अंदर जाते ही मैं जो है घर के बाहर चला जाता हूँ फायर करते करते और इस बंदे को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ उसी से, और M249 पकड़ते हुए ये बंदा भाई पूरा 150 गोली चलाते हुए, मतलब भाई किधर ही चला रहा था इसको ही नहीं पता। फिलहाल इस बंदे को तो बहुत आराम तरीके से मार देता हूँ, लेकिन भाई इसका जो बगी है भाई वो तो कुछ अलग ही हरकतें कर रहा था, मतलब ये जो बंदा था इतना स्पीड में आया कि भाई बगी का ही और ही लटक गया, और इस बंदे का मतलब बगी देखो भाई अलग ही रंग में, मतलब इसका अलग ही चल रहा है, मतलब एक बार सामने जा रहा है एक बार पीछे आ रहा है, एक बार सामने जा रहा है एक बार पीछे आ रहा है, मतलब भाई कुछ भी हो रहा है इस बगी के साथ। मतलब भाई ये मतलब पॉज हो जाता है ना एक चीज़ जो एक ही जगह अटक जाता है और एक ही जगह पे घूमता रहता है, वो वाला सीन हो गया। अब देखो भाई इस बगी में मैं ड्राइव करने का ट्राई कर रहा था लेकिन भाई ड्राइव भी नहीं हो रहा था, तो मैं जो इधर बैठ के देख रहा था कि कितना देर तक होएगा, लेकिन भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा था, इस वजह से मैं नीचे जाता हूँ ड्राइव बार बार दबाता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद ये बगी जो है शांत हो जाता है, मतलब भाई एकदम पगला गया था बगी तो एकदम, तो भाई इसको शांत करके मैं जो है ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके भाई होल्ड करना चालू कर देता हूँ। उतने में ही भाई एक और भाई बाइक लेके बंदा आता है जो कि सामने वाले कंपाउंड में जाके रुक जाता है, और वो बंदा भाई उधर से निकलता ही नहीं है, मतलब भाई पूरा सर्किल आ जाता है और ये जो है देर सर्किल चालू होने वाला है, लेकिन फिर भी ये बंदा भाई इधर से नहीं निकल रहा था जब तक मैं नहीं गया तब तक, उसके बाद पता नहीं ये बंदा निकला कि नहीं निकला। फिलहाल मैं जो इधर से निकल के चला जाता हूँ और मुझे भाई भरोसा नहीं था कि ये बंदा ठीक ठाक होगा कि नहीं, लेकिन ये बंदा जो है मेरे ऊपर फायर नहीं करता, इस वजह से मैं जो इधर से निकल के सीधा अपना बगी उठा के भाई चला जाता हूँ जोन के अंदर, और भाई जैसे ही जोन के अंदर जाता हूँ उतने में भाई फायर आना चालू हो जाता है मेरे ऊपर, और वो भी कहाँ से भाई, मतलब पिजन के ऊपर से, मैं जो नीचे से रहता हूँ और वो बंदा मेरे ऊपर भाई फायर कर रहा था पिजन से, अब देखते जाओ इधर क्या सीन होता है। तो भाई इधर बगी लगा के मैं जो हिल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उतने में भाई बंदे का फायर आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भाई एक भी गोली कनेक्ट नहीं होता, इस वजह से मैं जो इधर बच जाता हूँ, लेकिन भाई इधर बचने के बाद मैं सोचता हूँ कि जोन के अंदर चला जाता हूँ कंपाउंड की तरफ, और उधर जाके मैं सेफ रहूँगा क्योंकि ऊपर से मेरे ऊपर फायर आया है, तो भाई ये बंदा मुझे स्पॉट करके रखेगा कभी ना कभी तो मार ही देगा, इस वजह से मैं जो इधर से बगी उठाता हूँ और बगी उठा के भाई सीधा कंपाउंड की तरफ जाना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन उतने में भाई मेरा भाई सामना वापस से हो जाता है एक और हैकर के साथ। आप देखो टॉप 10 के अंदर तो घुस गया, और अभी तो भाई सारे के सारे हैकर है इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं अभी कहाँ जाऊँ, अभी कंपाउंड नहीं पकड़ूँ तो क्या पकड़ूँ, ओपन में रहूँगा तो वो वाला स्पीड हैकर आके भाई मार के चला जाएगा, और मैं जो इस वजह से भाई कंपाउंड के अंदर आता हूँ और जैसे ही भाई गाड़ी रुकाता हूँ तो दोनों तरफ से मेरे ऊपर फायर आना चालू हो जाता है, अब देखते जाओ क्या सीन होता है। देखो भाई पीछे वाले बंदे से बचा तो सामने वाले बंदे ने मार दिया, और ये जो बंदा था भाई ये भी हैकर था, सामने वाला जो मेरे ऊपर फायर किया वो भी हैकर था, तो भाई एक लेजिट बंदा कैसे बचेगा, मतलब भाई एन सर्किल में किसी भी तरह टॉप 10 के अंदर सर्वाइव किया ही नहीं जा सकता। तो भाई यही देखो सीन, अभी फिलहाल इस बंदे को मैं कुछ देर स्पेक्टेट करता हूँ, तो एक बंदा के ऊपर भाई एमके से ऐसा फायर करता है कि वो देख के ही मुझे समझ आ गया कि भाई दोनों नूबों के बीच भाई हो रहा था फाइट, तो भाई अब देखो आप लोग क्या सीन होता है। फिलहाल भाई ये देखने के बाद मैं जो है गेम एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि भाई इसके सामने होता है सिर्फ और सिर्फ स्पीड हैकर, और भाई दोनों के बीच क्या फाइट देखना है भाई, ये गेम जो है मतलब पूरा खत्म हो चुका है, मैं बार बार बोलता हूँ। फिलहाल भाई गेम पहले तो आज के लिए इतना है, अगर आप लोग चैनल में न्यू आए ना भाई चैनल में जो लाल बटन है ना उसको दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट गेम पहले लेकर वापस, बाय गाइस।